नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको एक बात तो पता होगा कि आने वाला जो युद्ध का समय होगा वह कहीं ना कहीं इंसान से हटकर ड्रोन या आप कह लीजिए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। इसी का एक जीता जाता उदाहरण हमने अभी कुछ दिन पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हो रहे युद्ध को देखा, जिसमें सिर्फ ड्रोन ने ही पूरी की पूरी युद्ध की जो दशा थी उसको बदल दिया। दरअसल इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसी ही घटनाएँ जब हमारे आसपास भी होती हैं तो हमारे भी देश के लोगों को ये बात चिंता सताती है कि भारत के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है भी या नहीं है। और आपने हमेशा सुना होगा कि भारत चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, किसी न किसी से ड्रोन लेता देता रहता ही है, क्योंकि भारत के पास इसकी बहुत बड़ी शॉर्टेज है और भारत के पास इसकी कोई खास वजह भी है, क्योंकि ऐसा कोई ड्रोन हमारे पास नहीं है जो बहुत ही सटीक हो और बहुत बेहतर हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जैसा कि हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान, इनके पास काफ़ी ड्रोन्स हैं, यानी कि चीन तो खुद ही ड्रोन बनाने में ग्लोबल हब बनता जा रहा है और वो अपने ड्रोन्स पाकिस्तान को भी प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है आए दिन पाकिस्तान हमारे बॉर्डर एरिया में एम्यूनिशंस और वेपन्स जो कि उसके टेररिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं उनको प्रोवाइड कराता है। और इतना ही नहीं, वह कभी कभी सीज़ फायर करके अपने टेररिस्टों को घुसने में भी मदद करता है, यानी कि पूरा जो इन्फिल्ट्रेशन है उसमें भी ड्रोन का हाथ होता है। तो दरअसल इसकी खास वजह है कि भारत के पास ऐसी ज़रूरतें सामने आ रही थी कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हो जो भारत को पूरी तरह से ड्रोन प्रूफ बना दे। हालाँकि भारत का DRDO इस पर लगा हुआ है, भारत के पास DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम है भी, लेकिन वो इतना मतलब सुटेबल नहीं है कि भारत के जैसे बॉर्डर एरियाज इतने उबड़ खाबड़ अजीबो गरीब दस ऊपर नीचे पाए जाते हैं उन हर जगहों पे उसको ले जाया जा सके। तो इसलिए कुछ ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे इस तरह के सिस्टम को नहीं लगाया जा सकता और वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, तो वहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इसको दूर करने के लिए भारत की ही एक संस्था है, यानी कि क्राउन ग्रुप्स जो है, इन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया है, यानी कि इस समय जो बेंगलुरु में एरो इंडिया हो रहा है सो, उसमें एक एंटी ड्रोन गन उन्होंने ऐसा दिखाया है कि उसके हिसाब से अगर माना जाए तो भारत के पास एक ऐसी कैपेसिटी हो जाएगी कि भारत एक हैंड हेल्ड मैनर में, यानी कि हाथों में उठाया जाने वाला एक ऐसा गन भारतीय सैनिकों के पास होगा जो कि पूरी तरह से ड्रोन्स को ट्रैक करके उन्हें मारने में सक्षम होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बॉर्डर एरियाज़ में जब लो विजिबिलिटी होती है, यानी कि अंधेरा का फ़ायदा उठा के आतंकवादी इधर से उधर कर लेते हैं, ऐसे जो गन्स होते हैं उनकी मदद से भारत के जो सैनिक होंगे वह लो विजिबिलिटी के भी कंडीशन में अपने दुश्मनों को देख पाएंगे और उनको बहुत ही आसानी से टारगेट कर सकेंगे। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, आजकल का जो समय चल रहा है जम्मू कश्मीर के एरिया में, जब से वहाँ आर्टिकल 370 हटा है तब से जम्मू कश्मीर में ना ही इन्फिल्ट्रेशन हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है पहले की कंपैरिजन में। तो इस वजह से पाकिस्तान को जो उसके आतंकी जम्मू कश्मीर में बैठे हैं एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा अपने आकाओं से। इस वजह से पाकिस्तान ने अब एक नया रणनीति अपनाया है कि अपने सैनिकों को ड्रोन की मदद से वेपन्स और एम्युनिशंस वगैरह प्रोवाइड कराता है, जो कि आए दिन कहीं ना कहीं सेनाओं को कहीं ना कहीं से प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ऐसे ही ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे देश में बैठे बैठे कहीं भी वेपन्स पहुंचा सकता है तो कहीं भी ब्लास्ट भी करा सकता है। तो इस तरह से ज़रूरत थी भारत को कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी हो जो पूरी सी तरह छोटे से छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर सके और उनको डिस्ट्रॉय कर सके, और लागत भी कम है, क्योंकि आप जितने भी डिफेंस सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम आप उनकी मदद से एक एक ड्रोन को तो नहीं मार सकते, ये बहुत ही खर्चीला प्रोसेस हो जाएगा और संभव भी नहीं है, क्योंकि ड्रोन इतने छोटे होते हैं हर बार उनको ट्रैक कर पाना इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से ये क्राउन ग्रुप्स काम करता है, यानी कि आप समझ लीजिए कि भारत के जो डिफेंस सिस्टम का एक नंबर वन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, यानी कि हर तरह का जो वेपन्स होता है और सबसे अच्छा और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी सबसे अच्छा जो डील होती है वो इस तरह यही ग्रुप प्रोवाइड कराता है। तो इस वजह से इस पे भरोसा किया जा सकता है कि अगर ये इस तरह के दावे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें लगता है भारतीय जो आर्मी और एयरफोर्स हैं इस तरह की चीज़ों पे काफ़ी फोकस भी कर रहे हैं, क्योंकि एरो इंडिया में जब इन्हें दिखाया गया तो देखा गया कि इंडियन आर्मी इस पे काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़
इंडियन आर्मी को भी लगता है कि भाई ये अच्छी टेक्नोलॉजी और हमारे सैनिकों के पास होना चाहिए। मुझे तो ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भारत को हमें पता है बहुत लंबे समय से ड्रोन्स के मामले में काफ़ी शिकायतें थी कि भारत में ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सूटेबल ड्रोन सिस्टम नहीं था जो कि चीन और पाकिस्तान से आने वाले छोटे मोटे अजीबोगरीब ड्रोन्स को ट्रैक करके मार सकें। तो ये एक सिरदर्द बना हुआ था, क्योंकि चीन और आप कह लीजिए टर्की इस समय दुनिया में ड्रोन बनाने में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और ये अपने ड्रोन्स अक्सर ऐसे ही अजीबोगरीब काम करवाने में यूज़ करते हैं, और पाकिस्तान उनका पड़ोसी नहीं उनका जिगरी दोस्त है, तो पाकिस्तान को वो फ्री में भी देते हैं। तो पाकिस्तान ऐसे ड्रोन्स का यूज़ भारत के खिलाफ ही करता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, और चीन तो है ही। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत के लिए ये टेक्नोलॉजी कितना कारगर होगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, आपको और वीडियोज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंडियन डिफेंस रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।